हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन नंबर 6 सब्सटेंस इन डेली यूज ये लेसन स्टार्ट किया था. इस लेसन में हमने सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था. उसमें फिर हमने नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस देखे थे. नेचुरल सब्सटेंस में हमने बायोटिक सब्सटेंस एंड अबायोटिक सब्सटेंस में देखा था. उसके बाद में हमने एनिमल ओरिजिन एंड प्लांट ओरिजिन पढ़ा था. उसके बाद में हमने मैन मेड सब्सटेंस यह पढ़ा था. इसमें हमने बहुत सारे पिक्चर्स देखे थे, कौन से नेचुरल सब्सटेंस वाले हैं और कौन से मैन मेड सब्सटेंस के. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मैन मेड सब्सटेंस का क्लासीफाई किया था. एग्जाम्पल में मैन मेड सब्सटेंस देखे थे हमने, नेचुरल सब्सटेंस एंड मैन मेड सब्सटेंस. नेचुरल सब्सटेंस जो थे पहले किस तरह से उसमें कंस्ट्रक्शन होता था, और मैन मेड सब्सटेंस में किस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाने लगा, यह हमने कल पढ़ा था यहाँ तक. उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि ग्लास बनाने के लिए सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है. लेकिन जो जो ओरिजिनल चीजें होती है उसमें अगर एक बार चेंजेस हो गया तो वापस वह उस हम लोग उसके दूसरी चीजें बना सकते हैं, और जो फर्स्ट चीज होती है पहली वो वापस हमको वापस रिटर्न में नहीं मिलती. जैसे ग्लास से हम जो सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग ग्लास बना सकते हैं, लेकिन ग्लास से हम लोग सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं. तो ये क्या हो गया, चेंजेस जो होते वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया था, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था. इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बुक में पेज नंबर 45 पर हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ, प्रोडक्शन यानी निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का निर्माण. उस पर हम लोग देखेंगे कि रबर, सबसे पहले हम रबर सबको पता है ना, रबर का किस तरह से निर्माण, किस तरह से प्रोडक्शन होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जो रबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के. कौन से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होते हैं. नेचुरल मतलब प्राकृतिक, एंड आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, जो इंसान बनाता है. ओके, तो रबर के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स. बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है. फिर नेचुरल रबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द गम और सेप ऑफ ट्रीज. जो नेचुरल रबर होता है, प्राकृतिक रबर होता है, वह रबर किससे मिलता है, ट्रीज के गम और सेप से. यानी रबर जो होता है वह वृक्ष ट्री के शीर से, गम और सेप, शीर यानी जो उसका चिकट दूध के समान चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उससे मिलता है. ठीक है, और फिर क्या बोला है कि दिस सेप इज कॉल्ड लेटेक्स. और जो वो सेप होता है दूध के समान चिपचिपा पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स. क्या कहते हैं, लेटेक्स. इसको लर्न करना है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है. नेचुरल रबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द गम और सेप ऑफ ट्रीज, दिस सेप इज कॉल्ड लेटेक्स. सेप को क्या कहते हैं, लेटेक्स. क्या कहते हैं, लेटेक्स. ठीक है, रबर हैज अ पिक्यूलियर एडोवर एंड इट इज वाइट इन कलर. और जो रबर होता है, रबर की जो एक विशिष्ट क्या होती है, गंध होती है, उसकी स्मेल होती है, और यह कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है. जो आपने देखा भी दूध के समान चिपचिपा पदार्थ होता है ना ट्री में से, तो व्हाइट कलर का ही होता है, तो वो व्हाइट होता है, उसकी स्मेल भी अजीब सी आती है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. वल्केनाइजेशन जिसको हम लोग वल्कनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, वल्केनाइजेशन. ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यानी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. रबर पर वल्केनाइजेशन की, जिसको हम लोग गंधकीकरण कहते हैं, उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया. ठीक है, इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3-4 आवर्स. यानी जो रबर है वो हम लोग जो देखते हैं रबर, आजकल के हम लोग टॉयस रबर के बहुत सारे खिलौने देखते हैं, हेयर बैंड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये मिटाने वाला रबर देखते हो आप. ठीक है, इस तरह का रबर खिलौने देखते हो, टायर देखते हो, सभी किसके हैं, रबर के द्वारा बने हुए हैं. उसको किस तरह से बनाया जा सकता है वो हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं. तो क्या बोला है यहाँ पर कि इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3-4 आवर्स. यानी क्या किया जाता है, इसमें जो रबर है, रबर को गंधक में, सल्फर में, ठीक है, सल्फर यानी क्या होता है, गंधक. रबर को गंधक के साथ में कितने घंटे, 3-4 आवर्स, 3-4 घंटे क्या किया जाता है, हीटेड, गर्म किया जाता है. फिर क्या बोला, टू गिव हार्डनेस टू द रबर सल्फर इज मिक्स्ड.
फिर रबर में जो हार्डनेस होता है, कठोरता होती है, कठोरता हार्डनेस लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाना पड़ता है। यानी जो रबर है, रबर में हार्डनेस आना चाहिए, कठोरता आनी चाहिए, इसलिए रबर में क्या मिक्स करते हैं, सल्फर। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इन डिटरमाइंड बाय द पर्पज फॉर विच द रबर विल बी यूज। जिस काम के लिए रबर का हमें यूज करना है उसके अनुसार हमें उसमें सल्फर मिलाना पड़ता है। अगर ज़्यादा कड़क बनाना है तो सल्फर ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, कम हार्डनेस चाहिए हमें तो उसमें सल्फर कम मिलाना पड़ेगा। यानी उस वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना सल्फर मिक्स करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, इरेजर रबर बॉल्स, इरेजर यानी पता है मिटाने वाला रबर होता है ना, फिर रबर बॉल्स, रबर के जो गेंद होती है, रबर गेंद देखा है ना आपने, खेलने के लिए आप यूज करते हो, फिर रबर टॉयज, खिलौने होते हैं रबर के, ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। इस तरह के खिलौने जो होते हैं वो कम अधिक मात्रा में उसमें सल्फर मिक्स करके बनाया जाता है। जितना हार्ड रहेगा, जितना सॉफ्ट बनाना है तो उस तरह से सल्फर यूज करके किया जाता है। इन रबर बैंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। और रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड बनाने के लिए जो बालों में लगाते हैं रबर बैंड, तो उसको बनाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में, वेरी स्मॉल सल्फर यानी बहुत ही कम मात्रा में गंधक सल्फर मिलाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, इन द पास्ट में क्या बोला है, इन द पास्ट है ना, जो हम लोग जो ये रबर रबर बनाने का जो वल्कनाइजेशन हुआ, वल्कनाइजेशन की जो प्रोसेस हुई रबर बनाने के लिए, तो ये किस तरह से हुई, इसकी आइडिया कैसे आई, तो हम इन द पास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, चार्ल्स गुड ईयर, चार्ल्स गुड ईयर स्पील्ड अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव। जो चार्ल्स गुड ईयर, ये नाम लर्न करना है आपको, चार्ल्स गुड ईयर, गुड ईयर है ना, चार्ल्स गुड ईयर के जो ये साइंटिस्ट है, ठीक है, चार्ल्स गुड ईयर के हाथ से क्या हुआ, रबर और सल्फर, रबर और सल्फर का मिक्सचर, रबर और सल्फर का मिक्सर अनजाने में कहाँ पे, बर्निंग स्टोव में, जलते हुए स्टोव पर गिर पड़ा। अच्छा, मतलब अनजाने में वो अपना काम कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से रबर और सल्फर का जो मिक्सर है वह जलते हुए स्टोव पर गिर गया। आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश्ड ही नोटिस्ड दैट द रबर हैड बिकम हार्डर एंड लेस इलास्टिक। और फिर बाद में जब स्टोव बुझा, उन्होंने बुझा दिया, स्टोव बुझने के बाद जब उनके हाथ से गिर गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर जब स्टोव बुझाने के बाद में उन्होंने देखा कि जो सल्फर और रबर का जो मिक्सर गिरा हुआ था, तो वो जो रबर था वह ज्यादा क्या हो गया, चिमड़ गया था, क्या हो गया था, वो हार्डर एंड लेस इलास्टिक, चिमड़ गया था, उसमें जो तन्यता थी, फैलाने वाली तन्यता थी, जैसे हम लोग रबर को खींचते हैं ना, ऐसे खींचते हैं, तो वो जो फैलाने वाली तन्यता थी वो कम तन्य हो गया, नहीं ज्यादा उसको हम लोग खींच नहीं सके, हार्ड हो गया इसलिए उसको खींच नहीं सके, और सॉफ्ट रहता तो उसको हम लोग पकड़कर जोर से खींच, जितना खींच उतना खींच सकता है वो, है ना, इसलिए जब उन्होंने देखा तो वो कैसा हो गया, हार्डर एंड लेस इलास्टिक, कम तन्यता वाला हो गया। फिर क्या बोला है कि ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे एंड इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। फिर उन्होंने जो ये प्रोसेस थी सल्फर एंड रबर को मिक्स करके गर्म करने वाली, तो उन्होंने यह जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो ये प्रयोग था, वो उन्होंने अच्छे तरह से उसका यूज अच्छे तरह से उन्होंने उसका प्रोसेस को सिस्टमेटिक वे के द्वारा उस पद्धति से करके उन्होंने वल्कनाइजेशन की इस प्रोसेस वल्कनाइजेशन प्रोसेस की उन्होंने क्या की, इन्वेंट किया, वल्कनाइजेशन का जो प्रोसेस है उन्होंने अच्छे तरह से उस एक्सपेरिमेंट को कर सिस्टमेटिक वे से उन्होंने इन्वेंट किया, किसको, वल्कनाइजेशन की प्रोसेस को। हार्ड एंड थो टायर्स ऑफ रबर मेड देंस फोर्थ ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी क्या हो गया, अब उन्होंने वो तो इन्वेंट कर ही लिया, अब रबर को चिमर टायरों के द्वारा या फिर आने जाने के ट्रांसपोर्ट में उन्होंने
प्रोसेस, मतलब प्रोसेस उन्होंने बहुत सारा वल्कनाइजेशन कर लिया, जिसकी वजह से उनको पता चल गया कि किस तरह से सल्फर मिक्स करे रबर में, तो वो रबर कैसा हो जाता है, ज़्यादा हार्ड करना हो तो किस तरह से मिलाना चाहिए, सॉफ्ट बनाना हो तो किस तरह से मिक्स करना चाहिए, उनका आइडिया आ गया। इसके द्वारा द्वारा जो टायर बनाए जाते हैं ये अभी गाड़ियों के लिए, उसके द्वारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के में बहुत चेंज आ गया है ना। उसकी वजह से यह रिवॉल्यूशनरी क्रांति टायरों द्वारा परिवहन टायरों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है जो होती है, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ जाते हैं ट्रक वगैरह के, उसमें लगते हैं टायर इस तरह के, उसमें क्या हो गया, क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशनरी चेंज हो चुका है। ओके, तो ये किसके द्वारा हुआ है, चार्ल्स गुड ईयर। तो आपके चार्ल्स गुड ईयर का नाम अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मैं क्या बोला यहाँ पर, रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय कलेक्टिंग द लेटेक्स ऑफ सर्टन ट्री। जो रबड़ होता है वह एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो रबड़ है वह एक प्राकृतिक पदार्थ है, और यह विशिष्ट प्रकार के ट्री के द्वारा, किसके द्वारा, रबर ट्रीज आर फाउंड इन अब्यूडेंस इन ब्राजील। ये जो रबड़ है वह एक रबड़ जो है एक विशिष्ट प्रकार के ट्री के दूध से बनाया जाता है, और जो रबड़ है, रबड़ का जो ट्री है वह कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ब्राजील। कहाँ पे, ब्राजील में भारी संख्या में पाए जाते हैं, ब्राजील में रबड़ के ट्री पाए जाते हैं। तो आपको लर्न करना है कि रबड़ के ट्री कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में, आपको एग्जाम में पूछ सकते हो। ओके, लेटर दिस ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू। बाकी के आगे चलकर बाकी के देशों ने भी यह रबर के ट्रीज लगाए। बाकी के देशों, जब उनको पता चला कि रबर इस तरह से बनाया जाता है वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, तो उन्होंने भी, बाकी कंट्रीज ने भी, अदर कंट्रीज ने भी रबर ट्रीज का यूज अपने यहाँ पे उनके देशों में लगाया गया। ठीक है, द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, रबर के ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है, तो हेविया ब्राजीलियनसिस, हेविया ब्राजीलियनसिस। इसको क्या कहते हैं, बोटेनिकल नेम है रबर के ट्री का हेविया ब्राजीलियनसिस, क्योंकि ये ब्राजील में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम हेविया ब्राजीलियनसिस। यह नाम पढ़ा था, ये भी आपको याद करना है। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज इन केरला। और रबर जो है सबसे अधिक उसका जो उत्पादन हो रहा है वो अभी कहाँ हो रहा है, केरल राज्य में हो रहा है। भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो केरल इस राज्य में हो रहा है। ओके, तो आपको यह जो है पॉइंट रीड करना है और लर्न करना है, एग्जाम में आपको बीच बीच में के लेसन के बीच बीच में के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग पेपर, अब हम पढ़ेंगे कागज का निर्माण। जिस तरह से हमने रबर का देखा वैसे ही कागज किस तरह से बनाया जाता है। तो हमको यहाँ पर 6.2 द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ये हमें प्रोसेस दी हुई है कि कागज का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो हमें ये प्रोसेस दी हुई है, देखो यहाँ पे ट्री दिख रहा है, ट्री, ट्री के लॉक्स ऑफ वुड, जो ट्री है, ट्री के जो लकड़ी है उसके कुंदे जो बोलते हैं ना, उसको लकड़ी के कुंदे को काटा, लॉन्ग्स ऑफ वुड, उसको काटा, देखो दिख रही है, ये काटा जाता है। फिर उसमें पिलिंग द लॉक्स, डिबार्किंग द लॉक्स, फिर जो कुंदे होते हैं लकड़ी के दिख रहे हैं ना, ये कुंदों की छाल छाल को फिर निकाला जाता है, फिर वो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो ऐसे जाके उसको फिर कटिंग होते है उसमें से, फिर दिख रहा है ये सब कुछ इस तरह से बारीक बारीक, उसमें फिर एडिंग डाइस, उसमें फिर क्या मिक्स करते हैं, जो रंग द्रव्य जिसको कहते हैं डाइस, रंग द्रव्य उसमें मिक्स किए जाते हैं। फिर उसको पल्प, उसकी लुगदी बनाई जाती है, प्रेसिंग द पल्प विथ रोलर, फिर उसको रोलर रोलर के द्वारा द्वारा क्या किया जाता है, उसको बेला जाता, रोलर से लुगदी को इस तरह से बेला जाता है। फिर इस तरह से वाइडिंग द पेपर ऑन ऑन रील्स, फिर उसको पेपर्स को क्या किया जाता है, कागज पर ऐसे लपेटना लपेटा जाता है, तो इस तरह से पेपर हमें तैयार होते हैं, कागज हमें इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46 पर, पेपर किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे पेपर, पेपर इज द सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द इंटर
winning of the cellulose fiber in grass, wood, rags or waste paper. Thus, paper is a kind of network of cellulose fibers. यहाँ पे क्या बोला है कि जो घास फूस लकड़ी चिंदी रद्दी कागज जैसे जो पदार्थ है वो सेलुलोज धागों से धागों को एक दूसरे से गूंथने से तैयार होने वाला क्या है एक जाल है जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं कागज कहते हैं उसे क्या कहते हैं पेपर कहा जाता है और ये धागे जो है वो सेलुलोज युक्त धागे के नाम से जाने जाते हैं. दस पेपर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलुलोज फाइबर्स. किसके नाम से सेलुलोज फाइबर्स के सेलुलोज धागे के नाम से जाने जाते हैं. अब हम देखेंगे कि हाउ इज पेपर मेड. पेपर किस तरह से बनाया जाता है जो हमने डायग्राम में देखा पीछे देखा ना वैसे ही अब हम इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे. क्या बोला है कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज टू मेक पेपर. जो कागज बनाने के लिए जो पाइन है पाइन है ना ये पाइन पाइन जिसको हम चीड़ कहते हैं ठीक है तो जैसे सूची पर्ण वृक्षों का यूज किया जाता है यानी कागज बनाने के लिए पाइन वाले कॉनिफरस ट्रीज सूची पर्ण वृक्ष इनका यूज किया जाता है. द बार्क ऑफ द लॉक्स ऑफ दिस ट्रीज इज फर्स्ट रिमूव्ड एंड द वुड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. फिर क्या किया जाता है जो ये वृक्ष है ये पेड़ है इसकी लकड़ियों के कुंदों की जो बार्क होते हैं कुंदों की छाले निकालकर उसके पतले पतले टुकड़े किए जाते हैं जो हमने पीछे डायग्राम में देखा है. ओके स्मॉल पीसेस किए जाते हैं उसको तोड़कर ठीक है. द मिक्सचर ऑफ दिस पीसेस एंड सम केमिकल्स इज केप्ट सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर इन टुकड़ों को एक स्पेशल केमिकल में सब कुछ केमिकल होते हैं रसायन उसमें उसको मिश्रण को लंबे समय तक उसमें क्या किया जाता है सोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम भिगो कर रखा जाता है. इट हेल्प्स टू फॉर्म पल्प और उसकी क्या बन जाती है लुगदी पल्प तैयार किया लुगदी तैयार होती है. व्हेन द केमिकल प्रोसेस इज कंप्लीटेड द फाइबर्स सब्सटेंस फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड एंड सम डाइस आर एडेड. रसायनों की जो केमिकल की जो क्रिया हो जाने पर जो लकड़ी की लुगदी है उसमें से तंतुमय पदार्थ सेपरेटेड फाइबर्स जो होते तंतुमय पदार्थ वो अलग हो जाते हैं. द पल्प इज द पास्ट थ्रो रोलर्स ड्राइड टू फॉर्म पेपर एंड फाइनली वाउंड ऑन रील्स. और उसमें से कुछ रंग द्रव्य मिला जाते हैं और रोलर्स से जो बेली हुई लुगदी होती है वो आगे जाकर क्या हो जाता है सूख जाती है और कागज के रूप में उसको क्या की जाती है रोल की जाती है उसको लपेटी जाती है. पेपर्स आर वुड आर क्लोजली रिलेटेड टू सेव ट्रीज इट इज नेसेसरी टू यूज पेपर स्पेरिंगली. यानी जो कागज है और ट्री है पेपर और ट्री इसमें बहुत ही निकट का संबंध इसलिए वृक्ष बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कागज को भी बचाना चाहिए. ओके अब डू यू नो मैं क्या बोला इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर न्यूज प्रिंट पेपर टू बी यूज्ड फॉर न्यूज़पेपर वाज एस्टेब्लिश्ड एट क्या बोला यहाँ पर नेपा नगर इन मध्य प्रदेश में 1955. पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एट सोनगढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि सोनगढ़ ठीक है सोनगढ़ इन गुजरात. अब सोनगढ़ कहाँ पे गुजरात में और नेपा नगर कहाँ था मध्य प्रदेश में. इन महाराष्ट्र में देयर आर अ पेपर फैक्ट्री ऑफ कहाँ पे महाराष्ट्र में कहाँ पे बल्लारपुर में नियर चंद्रपुर के पास में बल्लारपुर में है. इसको क्या बोला है कि इंडिया में यानी भारत में जो न्यूज़पेपर है न्यूज़ प्रिंट जो होता है ना न्यूज़पेपर समाचार पत्र के लिए जो कागज तैयार करते हैं उसका सबसे पहला कारखाना सबसे पहले कहाँ पे 1955 में मध्य प्रदेश में नेपा नगर में स्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले. तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले न्यूज़पेपर के लिए जो पेज होता है वह उसका कारखाना सबसे पहले नेपा नगर मध्य प्रदेश में नेपा नगर में 1955 में एस्टेब्लिश हुआ यानी
उसकी स्थापना स्थापित हुआ। उसके बाद में पेपर तो सबको चाहिए था गुजरात में, फिर कहाँ पे आया, सोनगढ़ में। उसके बाद में सोनगढ़ यानी गुजरात में कागज बनाया जाता था, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर में कहाँ पे, बल्लारपुर में कागज कारखाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद में बोला है यहाँ पर नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स, यानी जो कृत्रिम धागे होते हैं वो। कैन यू टेल फ्रॉम विच सब्सटेंस इन नेचर कैन वी गेट थ्रेड्स और फाइबर। प्राकृतिक रूप से कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थों से धागे, थ्रेड्स और फाइबर्स मिलते हैं। सेकेंड वाला है वॉट आर क्लॉथ मेड फ्रॉम, और जो हमको कपड़े चाहिए क्लॉथ किससे बनाए जाते हैं, धागों से, थ्रेड से, ना अलग अलग तरह के धागों से। फिर आगे क्या बोला है कि फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थ्रो दैट आर्टिफिशियल यार्न कुड बी प्रोड्यूस्ड टू मीट द क्लोथिंग नीड्स ऑफ एन इंक्रीज पॉपुलेशन मच रिसर्च एंड प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन द फील्ड। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से क्लोथ्स की आवश्यकता बढ़ गई, जिसकी वजह से जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड थ्रेड्स है ना, आर्टिफिशियल यार्न यानी जिसको हम लोग कृत्रिम धागे कहते हैं, कृत्रिम विधि से धागे तैयार, धागे बनाने की जो आइडिया है वो समझ में आ जाने के बाद में अब उस फील्ड में क्या हो गया है, प्रोग्रेस बहुत हो गया उस फील्ड में, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पर कि रिसर्च भी होने लगा, प्रोग्रेस भी हो गया है ना उस फील्ड में। इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स आर नॉन अवेलेबल, और अब तो अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल थ्रेड्स, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स भी उपलब्ध हो गए हैं। नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलन, टेरिलॉन जिसको बोलते हैं, टेरिलिन बोलते हैं ना, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स। और ये जो ये धागे हैं कृत्रिम सिंथेटिक जो धागे हैं उसमें नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन, ये अलग अलग प्रकार के वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स अभी बनाए जाने लगे हैं, ओके। इसी पेज पे हमको ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट दिया ऑलवेज रिमेम्बर में, डू नॉट टीयर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ये हमने जो हाउ इस पेपर मेट का देखा था उसी का ऑलवेज रिमेम्बर में है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट टीयर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ अ नोटबुक, डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स विथ ब्लैंक पेजेस, यानी कॉपी के जो कोरे पेज होते हैं उसको हमको फाड़ना नहीं है, बल्कि जो पुरानी कॉपी होती है उसमें से कोरे कागज को रद्दी में नहीं डालना है उसके, बल्कि हम नोटबुक बना सकते हैं, ओके। द ब्लैंक स्लाइड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स इनर साइड ऑफ पोस्टल एनवलप्स, द ब्लैंक स्लाइड्स ऑफ द कैलेंडर्स पेजेस एंड अदर सच वर्टेबल सरफेसेस कैन बी यूज टू मेक नोट्स, लिस्ट टू कवर बुक्स एटसेट्रा। डू नॉट थ्रो अवे और बर्न ऑफ सच पेपर अंटिल इट हैज बीन फुली अंटलाइज्ड लाइक दिस। यानी जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के जो कागज का पीछे का पेज होता है, या पोस्ट के लिफाफे होते हैं, या फिर आंतरिक कोरा पेज होता है, कैलेंडर का पिछला हुआ कोरा पेज होता है जिसपे हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे इसको हमको फेंकना नहीं है बल्कि उसको यूज करना है। उसके लिए हम लोग पूर्ण उपयोग किए बिना उसको रद्दी में हमको फेंकना नहीं है, ना ही जलाना है। यानी पेज का, पेज हमें पता है हमें कागज कैसे मिलते हैं, पता है, हम देखा कि पेड़ से मिलते हैं, इसलिए हमें वृक्ष काट कर पेज मिलते हैं, इसलिए उसका यूज हमें अच्छी तरह से करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज अ पेंसिल एंड स्लेट, और जहाँ तक हो सके तो आपको स्लेट और पेंसिल का यूज करना चाहिए। कॉपरेट, फोर्थ पॉइंट है कॉपरेट विथ पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम गार्बेज और बाय स्क्रैप पेपर, दिस पीपल हेल्प इन द प्रॉपर रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। और कागज चुनने वाले, रद्दी लेने वाले दोनों अनजाने में क्या करते हैं, संशोधन का उचित रूप से उसको, उसका पेपर जो गार्बेज कचरा होता है उसका रिसाइकलिंग करने में सहायता करते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें हमें सहयोग देना चाहिए, रिसाइकलिंग करके वापस उसका यूज किया जा सकता है। फिर फाइंड आउट में क्या बोला है कि वेयर वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर इन्वेंटेड, कागज तैयार करने के लिए, कागज तैयार करने की जो खोज है इन्वेंटेड, खोज कहाँ हुई है ये आपको ढूंढना है। सेकेंड वाला है व्हाट काइंड ऑफ पेपर इज यूज फॉर अवर टेक्स्ट बुक्स, व्हाट साइज इज इट, जो हमारी हमारे जो टेक्स्ट बुक होती है
टेक्स्ट बुक का जो पेज होता है कागज किस प्रकार की उसको किस प्रकार के वो होता है, उसका आकार किस साइज का होता है, उसका आकार किस साइज का होता है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड है कि हाउ इज पेपर फॉर करेंसी नोट्स मैन्युफैक्चर्ड, और जो करेंसी नोट्स है मैन्युफैक्चर यानी मुद्रा नोट जिसको बोलते हैं वो कागज कैसे तैयार किए जाते हैं। फिर डू यू नो में क्या बोला है कि सिल्क इज हाँ अभी जब हमने यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स का पढ़ा था उसके बारे में, जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि अभी सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयन, इस तरह के वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स तैयार हो गए हैं। तो वही डू यू नो में हमें पूछा है कि सिल्क जो सिल्क हम सिल्क नाम सुनते हैं ना रेशम, ठीक है, सिल्क इज नेचुरल थ्रेड ऑफ फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ द सिल्क वर्म्स। जो रेशम नामक जो नेचुरल थ्रेड है सिल्क वाला, रेशम के नाम का जो नेचुरल थ्रेड है धागा है वो रेशम के कीड़े से बनता है, किससे, सिल्क वर्म रेशम के कीड़े से तैयार होता है। फ्रॉम वन कोकोन्स 500 मीटर्स टू 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी एक रेशम के कीड़े के एक कोष से, एक किसी कोकोन से, रेशम के कीड़े रेशम का कीड़ा जो अपना कोष छोड़ता है उस एक कोष से कम 500 मीटर से लेकर तो 1300 मीटर तक की लंबाई वाला धागा मिलता है। इट इज सेड दैट सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना, और जो रेशम का बहुत लार्ज स्केल में उत्पादन जो होता है सर्वप्रथम कहाँ पर होता है, चाइना, चीन में प्रारंभ हुआ सबसे पहले, उसको अंडरलाइन करूंगी। इट इज सेड द सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कहाँ पे हुआ, लार्ज स्केल में, चाइना में, चीन में, चीन में रेशम के कीड़े से रेशम धागा निकालने का। ओके, अब नेक्स्ट पेज है हमारा 47 पेज, यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल थ्रेड्स, इस तरह से आर्टिफिशियल मानव ने इस तरह से आर्टिफिशियल थ्रेड्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स, यानी पहले के समय में जो प्राकृतिक धागे से बनने वाली सभी जो वस्तुएं हैं वह कैसे होती थी, कृत्रिम धागों से बनाए जाते थे, नए पहले सिंथेटिक थ्रेड्स नहीं थे, पहले क्या था नेचुरल थ्रेड के द्वारा ही सब कुछ बनाया जाता था, ठीक है। फिर क्या बोला है कि नायलॉन, रेयन, टेरिलिन को कहते हैं तथा एक्रिलिक, ठीक है, आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स आर मेनी आर्टिकल्स इन अवर डेली यूज आर मेड फ्रॉम देम, यानी नायलॉन, रेयन, टेरिलिन और एक्रिलिक जैसे नेचुरल धागे हैं वो बनाने के लिए अनेक वस्तु ये हमारे यूज में उपयोग में है। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में, नायलॉन किसे कहते हैं, नायलॉन कैसे बनाए जाते हैं। तो दिस थ्रेड्स वेयर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंडन, सबसे पहले नायलॉन नाम किस तरह से पड़ा, तो जो ये थ्रेड है यह धागे का इन्वेंट सबसे पहले कहा हुआ न्यूयॉर्क एंड लंडन, कहाँ का हुआ, न्यूयॉर्क और लंदन में, दोनों में एक समय में ही हुआ, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में एक समय ही इसका इन्वेंट हुआ नायलॉन का, ठीक है। देयर फॉर द इनिशियल एनवाय, अब इनिशियल एनवाय कैसे हुआ, नायलॉन सॉरी न्यूयॉर्क में से एन ले लिया, यॉर्क में से वाई ले लिया, तो एन वाई, ओके, तो एन वाई नायलॉन किस पर, देखो दिख रहा है नायलॉन एन वाई एल ओ एन है ना, तो न्यूयॉर्क में से एन वाई नाम ले लिया, ठीक है। अब लंदन में से एल ओ एन ये नाम ले लिया, तो न्यूयॉर्क में से एन वाई एंड लंदन में से एल ओ एन, तो दोनों नाम मिलाकर नायलॉन, इस तरह से नाम इसका पड़ा, ओके, अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला है कि देयरफॉर द इनिशियल एनवाई और न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन फ्रॉम लंदन वेयर कॉम्बिनेट टू नेम देम नायलॉन, ओके नायलॉन नाम इस तरह से पड़ा। नायलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन आर एंड आर स्ट्रॉन्ग, जो नायलॉन के जो धागे होते हैं वह कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं,
ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होते हैं एंड वाटर रेसिस्टेंस और जल रोधी पानी सोख लेते हैं। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स फिशिंग नेट्स रोप्स एट्सेट्रा। और इसके द्वारा क्या होता है कपड़े है ना बहुत सारे हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं। आपने नायलॉन के कपड़े भी देखे होंगे, फिशिंग नेट मछली पकड़ने के जाल होता है, रोप्स रस्सी होते हैं, ये सभी किससे बनाए जाते हैं नायलॉन से बनाए जाते हैं। ओके अब है रेयॉन, हम पढ़ेंगे रेयॉन के धागों के बारे में, रेयॉन के बारे में। कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजॉल्व्ड इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक अ सॉल्यूशन। रुई और जो लकड़ी की लुगदी होती है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो केमिकल होते हैं उसके घोल कर तैयार करके यंत्रों की सहायता से ये धागे जो है रेयॉन धागे यह बनाए जाते है। थ्रेड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द सॉल्यूशन विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स। और मशीन के द्वारा यह जो धागे हैं वो तैयार किए जाते हैं, इससे मजबूत और इससे क्या होती है मजबूती और चमक आती है। एज दिस थ्रेड्स हैव शाइन और स्ट्रेंथ, मजबूती और चमक आती है। उसके बाद में क्या बोला दे आर सेट टू बी सिंथेटिक सिल्क, इसलिए उसको सिंथेटिक सिल्क यानी रेशम कृत्रिम रेशम कहते हैं। दे अपियर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन्स रेज, हेंस दे वेयर नेम रेयॉन। और इसके यह जो धागे है यह सूर्य के किरणों की तरह चमकदार होते हैं, जिस तरह से सन शाइन करता है सूर्य के चमक, सूर्य सनरेज जो होती है सूर्य की किरणों की तरह चमकते हैं, इसलिए इसे हेंस देस वेयर नेम रेयॉन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा रेयॉन, सूर्य की किरणें रे है ना, रे सूर्य की किरणों को क्या कहते हैं रे रे यॉन, ठीक है, इसलिए इसका नाम रेयॉन यह पड़ा। ठीक है अब डेक्रॉन, अब हम पढ़ेंगे डेक्रॉन टेरिलिन एंड टेरिन। क्या बोला यहाँ पे वेरियस हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स ऑयल्स आर यूज टू मेक पॉलीमर चेन्स। खनिज तेल से जो प्राप्त होने वाले विविध हाइड्रोकार्बन कार्बन जो हाइड्रोकार्बन कार्बन से वेरियस हाइड्रोकार्बन से बहुत अनेक प्रकार के घटक होते हैं उसकी क्या होती है एक चेन तैयार हो जाती है, चेन बनती है। और सॉल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर इज प्रेस्ड थ्रू अ स्ट्रेनर विद फाइन होल्स। और ऐसे जो बहुल की जो घोल होते हैं उसको बारीक सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा एक चालनी पर क्या करते हैं चालनी में उसको उसको चालनी के द्वारा उसको फाइन होल्स के द्वारा उसको स्ट्रेनर के जो चालनी बोलते हैं उसको उसके द्वारा वो प्रेस किए जाते हैं, उसको दबाते हैं। द फाइबर्स फ्रॉम आफ्टर कूलिंग आर लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स। उसको जो तैयार होने वाले तंतु होते हैं उसको ठंडा होने के बाद में उसको उसके एक अखंड एक लंबा तंतु अनब्रोकन न टूटने वाला थ्रेड लंबा बनाया जाता है। दिस थ्रेड्स आर ट्विस्ट टू ऑब्टेंड यार्न। और जो थ्रेड होता है उसको एठन एठन देकर उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दिख रहा है इस तरह का, ये नजर आ रहा है इस तरह का उसको बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज टू मेक थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। दिस डिफरेंट थ्रेड्स हैव बीन नेम्ड वेरियसली एज डेक्रॉन टेरिलिन टेरिन एक्सेट्रा। इस तरह से भिन्न भिन्न केमिकल्स का यूज के द्वारा यह धागे बनाए जाते हैं और इन धागों में डेक्रॉन टेरिलिन और टेरिन इस तरह के इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो इसके द्वारा द्वारा रेयॉन डेक्रॉन टेरिलिन टेरिन इसके द्वारा देखो इस तरह से मोजे बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह दिख रहे हैं इस तरह से, ये सभी इसके द्वारा होते हैं रेयॉन और रेयॉन डेक्रॉन एंड टेरिलिन टेरिन इस नाम से बनाए जाते हैं। अब न्यू वर्ड्स हमने क्या पढ़ा इसमें हाइड्रोकार्बन्स, ये न्यू वर्ड्स है हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल ऑयल, खनिज तेल से प्राप्त होने वाले घटक को क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। पॉलीमर चेन, पॉलीमर की श्रृंखला चेन, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटरलिंक्ड केमिकल यूनिट्स, यानी छोटे छोटे जो घटक होते हैं उसको गूंथ कर तैयार होने वाली एक अन इंटरलिंक्ड केमिकल यूनिट्स होती है जो कंटिन्यूसली चेन तैयार हो जाती है। ओके अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48 में हमें क्या बोला है एडवांटेजेस एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी जो कृत्रिम धागे होते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है एंड शॉर्ट कमिंग क्या है, यानी उसके कृत्रिम धागों के गुण और दोष क्या है। तो हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स दिया है। ठीक है तो एडवांटेजेस यानी गुण क्या है उसके कृत्रिम धागों के,
तो फर्स्ट है कि दिस फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द मास स्केल, ये जो धागे होते हैं बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। दे कॉस्ट लेस, इन धागों का मूल्य क्या होता है, कम होता है। दे आर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इनका उपयोग किया जाता है। दे आर वाटर रिपीलेंट, हैंड्स डू नॉट रोट और गेट वेट, दे ड्राई इजिली, यह वाटर प्रूफ होते हैं और गीला होने के बाद में सड़ने जैसी क्रिया भी नहीं होती है, उसके कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद में सिक्स पॉइंट है, दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वियर, ये लाइट वेट के होते, हल्के होते हैं और सुविधाजनक पहनने में सुविधाजनक होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। सेवेंथ पॉइंट है, एज दे हैव अ शाइन दे इनहेंस द अपीयरेंसेस ऑफ द वाटर, चमक, अच्छे चमक होने के कारण व्यक्तित्व उभरने में सहायता मिलती है। एट्थ पॉइंट है, क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्क्रेच फ्री, इन धागों से बने जो कपड़े होते हैं वो सिकुड़ते नहीं है और इन पर खरोच भी नहीं पड़ती है। अब हो गए एडवांटेजेस है ना सिंथेटिक फाइबर्स के, अब उसके शॉर्ट कमिंग्स यानी दोष क्या है। हर एक वस्तु का गुण भी होता है और दोष भी होता है, तो हमने गुण देखा, अब दोष देखेंगे, शॉर्ट कमिंग देखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, दे आर वाटर रिपीलेंट, हैंड्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट फ्रॉम द स्किन, यानी ये वाटर प्रूफ है, जलरोधक होने के कारण, पर उसका शरीर का जो पसीना होता है वह नहीं सोखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच मे कॉज स्किन डिसेज, ये जो धागे या धागों से बने कपड़ों का अगर हम लोग कंटिन्यू यूज कर रहे हैं उसके कारण त्वचा गीली रहने से स्किन के रोग भी हो सकते हैं, डिसेज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर, जो ये धागों के कपड़े होते हैं, सिंथेटिक धागों के कपड़े होते हैं, वह समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में पहनना कैसा होता है, अनकंफर्टेबल होता है गर्मी की वजह से, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट दिया, सिंथेटिक फैब्रिक कैचेस फायर इजिली, और जो धागे होते हैं सिंथेटिक वाले वो आग जल्दी पकड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इज दे कैच फायर, द क्लोथ स्टिक्स टू द स्किन एंड कॉज सीरियस इंजरियस, और ये जो धागे के कपड़े से बने जो कपड़े होते हैं वो आग लगने पर तो स्किन से चिपक जाते हैं और इससे होने वाला जो घाव होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। छठवां पॉइंट है, दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये धागों के जो सूक्ष्मजीवों द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो फाइबर्स जो ये होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है हमें, कि सेव ट्रीज टू सेव नेचर, सेव पेपर टू सेव ट्रीज, यूज पेपर प्रॉपरली एंड इन इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज ऑफ इट एंड रिसाइकल द यूज्ड पेपर, यानी बोले कि प्रकृति से बचने के लिए हमें वृक्ष बचाने चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए और वृक्ष बचाने के लिए कागज बचाना चाहिए, इसके लिए कागज का यूज हमें कम करना चाहिए और पेपर का हमें पूरा यूज कर कागज पर हमें फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, ओके। सेकेंड पॉइंट इसमें, ऑल्थो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस इन यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दे कैन बी यूजफुल इफ दे आर यूज इन द प्रॉपर वे, दे रिड्यूस द लोड ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड जो कृत्रिम धागों के दोष ध्यान में रखकर यदि उसका हम लोग सही रूप से यूज कर रहे हैं तो वे हमारे लिए यूजफुल होंगे और नेचुरल रिसोर्स के जो नेचुरल रिसोर्सेस में का यूज करने पर उसमें तनाव जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम इन चीजों का यूज करते हैं तो, ओके। अब वॉट वी हैव लर्न, अब हमने क्या सीखा, तो वी यूज टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, नेचुरल एंड मैन मेड, है ना, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल मटेरियल्स में भी बायोटिक एंड अबायोटिक, नेचुरल में क्या आता है, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मटेरियल्स आर आइदर ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट से, और प्लांट में क्या आता है, ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, ठीक है। बायोटिक मटेरियल किससे बनते हैं, प्लांट से, और क्या आता है उसमें, प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। बायोटिक मटेरियल में प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन दो प्रकार के होते हैं, ओके। फिर सेकंड दिया है, रबर पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर इम्पोर्टेंट मैनमेड मटेरियल्स इन अवर डेली यूज, ये हम लोग मैनमेड के द्वारा बने और इसका हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। थर्ड है, मैनमेड मटेरियल्स आर ऑब्टेंड बाय यूजिंग सर्टन प्रोसेस, और जो मानव निर्मित मैनमेड जो सब्सटेंस है वो तैयार करते समय उसमें क्या किया जाता है, यूजिंग सर्टन प्रोसेस, विविध उपयोग में विधियां उसमें उपयोग में लाई जाती है।
अब साइंस वॉच हमको लास्ट में दिया हुआ है, वाइल स्टडिंग साइंस वी डू वेरीफाई वॉट एवर वी लर्न बट वॉट अबाउट अदर्स इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू एवरी बॉडी दैट देयर इज साइंस बिहाइंड एवरी एवरी फिनोमियन लेट अस एक्सप्लेन टू देम वॉट वी हैव लर्न एंड लेट अस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवर नॉलेज. यानी विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें उसकी विविध वस्तुओं की जांच पड़ताल खुद करनी चाहिए और एक दूसरे लोगों मतलब उससे दूसरे लोगों को क्या होगा, क्या यह दूसरों को इसकी जानकारी है क्या, प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है, विज्ञान छिपा होता है, यह सबको समझाने की हमें आवश्यकता होती है. इसलिए हमने जो समझा उसको सबको बताना चाहिए और सबको समझाना चाहिए, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, एक्ट बेसिस ऑफ अवर नॉलेज, है ना. यानी ये आपको साइंस जो पढ़ता है उसको अलग अलग बातों का नॉलेज होता है, यानी हमें अंधविश्वास में न रहकर साइंटिफिक रीजन उनको बताने चाहिए. ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये लेसन हमारा समझ में आ गया होगा. तो बच्चों आपने ये लेसन को रीड करना है, वीडियो देखना है और लेसन को समझना है. ओके, गुड डे.